हेलो गाइस, मैं गुफरान अंसारी, आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटा दोनों एक साथ आ जाए तो आप किस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे। तो यार वीडियो में अंत तक बने रहना। हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरा अगला वीडियो जो पहुँचेगा तो वो आप तक जोर पहुँच पाएगा। तो चलो फटाक से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको बोला जाता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन मतलब जोड़ना होता है। अगर हम जोड़ बोलेंगे तो दोनों को जोड़ रहे तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और ये अगर घटा रहे तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का जोड़ हो जाएगा और ये भिन्न का घटा। अब दोनों साथ साथ है तो क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए हम आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा बताते हैं। और फाइनली दोस्तों, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे को हर बोला जाता है। तो ये हो गया आपका अंश, ये हो गया हर, फिर ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि हर जो होता है, हर का आपको एलसीएम करना पड़ता है। तो हर वक्त ये क्या है, चार छः बारह, चार छः बारह हर है तो हर का एलसीएम करो, चार छः बारह। चलो तीनों का हम एलसीएम करेंगे तो दोस्तों दो से कटाएंगे कितना आ जाएगा, दो दुना चार, तीन दुना छः दुना बारह। फिर उसको दो से भाग लगेंगे, दो एकम दो, तीन का तीन, फिर तीन एकम तीन। अब उसके बाद तीन से भाग लगाएंगे, एक का एक, एक कम एक, फिर एक कम एक। तो दोस्तों अब गुना कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, दो गुना उसके बाद तीन, तो तीन दुना दो दुना चार, चार तिया बारह। तो दोस्तों एलसीएम आपका कितना आ चुका है, बारह हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आपका बारह हो चुका है, इसको हम साफ कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, एक लाइन देना है आपको, आपको लिखना है यहाँ पर बारह। ठीक है दोस्तों, और होता क्या है, बच्चे जो है ना मिस्टेक जब करते हैं यही पर करते हैं कि हम अब ऊपर जो डालेंगे क्या क्या डालेंगे। तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। इस बारह को इस चार से भाग करेंगे, तो चार से बारह को भाग लो, चार कम चार, चार दुना आठ, चार के बारह ऐसे कर लो, चार से बारह को भाग करेंगे, चार किया बारह, तीन बार में कटा, यही तीन को आपको कहाँ रखना है, यही तीन को आपको यहाँ पर रखना है। और गुना इसके ऊपर में देखो क्या है, इसके ऊपर में चार है, वही सॉरी छः है, छः डाल दो, जो भी रहेगा पाँच आठ दस एक हजार रहेगा वही डाल देना है, जो भी संख्या रहे। अब उसके बाद फिर प्लस, छः को जब बारह से भाग करेंगे तो भाग करके देखो, छः कम छः, छः दुना बारह, कितना बार में टूटेगा, दो बार में टूटेगा, है ना। तो छः दुना बारह दो बार में टूट रहा है, देखो दो, और गुना क्या होगा ऊपर में क्या है, आठ है, आठ दिन दो। अब उसके बाद फिर हम माइनस का, माइनस डालो, बारह को बारह से भाग करेंगे तो बारह एकम बारह, बारह एकम बारह एक बार में कटेगा, तो देखो एक। अब गुना ऊपर में क्या है, तीन है, तीन हो जाएगा। अब दोस्तों अब क्या करना है, गुना करना है, सबको गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, छः दिया अठारह, फिर प्लस आठ दुना सोलह, फिर माइनस तीन एकम तीन, फिर बट्टा क्या हो जाएगा, बारह हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखिए अठारह और सोलह, अठारह सोलह मिलकर क्या होता है, अठारह सोलह का जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ छः चौदह के चार, उसके बाद दो एक तीन, दो एक एक दो और एक हासिल है, तीन हो जाएगा, चौंतीस माइनस तीन। ऐसे भी देखो अठारह में सोलह को जोड़ेंगे चौंतीस हो जाएगा ना, और माइनस तीन का तीन लिखेंगे, बट्टा क्या हो जाएगा, बारह। अब दोस्तों आप ही बताओ, चौंतीस में तीन जाएगा आपका, घटाएंगे तो क्या बचेगा, इकतीस, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, बारह, यही आपका इकतीस बटा बारह आंसर हो गया। हम इधर आपको साफ करके दे रहे हैं, चलिए ये आपका आंसर हो गया इकतीस बटा बारह। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी जरूर ऑन कर देना ताकि मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपका ही मोबाइल का घंटी बजेगा। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।